अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है स्पेशली मेंस के लिए। जिन मर्द हजरात की स्किन रफ और ड्राई होती है, तो अगर आप अपनी स्किन का सफिशेंट केयर नहीं करेंगे तो ओवर सन एक्सपोजर की वजह से आपका स्किन डार्क हो जाएगा। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी दो तरीके शेयर करूंगी जिससे आपका स्किन कम्प्लेक्शन वाइट और ब्राइटन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रबर बनाना पड़ेगा। स्किन को एक अच्छे स्क्रब से एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी स्किन से डेड सेल्स खत्म हो जाएंगे। स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए बादाम। बादाम फेयर स्किन दिलाने में वंडरफुल है। आप 5 से 6 अदद बादाम लीजिए और इन्हें पीस कर पेस्ट बना लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल कर दीजिए और खूब मिक्स कीजिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो आप लेमन जूस की बदले गुलाब का अर्क भी यूज कर सकते हैं। अब इसे चेहरे और गर्दन पर अप्लाई कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 मिनट तक रब कीजिए और फिर 15 से 10 मिनट तक ऐसे ही रख दीजिए। 15 मिनट बाद चेहरे को धो लीजिए। ऐसे वीक में 2 से 3 बार कीजिए। दूसरा और आखिरी स्टेप स्किन वाइटनिंग फेस पैक है। ये फेस पैक मर्दों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये स्किन को फेयरनेस और ब्राइटन बना देता है। एक बाउल में 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून शहद लीजिए और प्रॉपरली मिक्स कीजिए। अब इसे लेके चेहरे पर धीरे धीरे मसाज कीजिए और 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद फेस को नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। ऐसे आप हफ्ते में 3 से 4 बार कीजिए। लेमन को अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये स्किन को रिफ्रेश ऑयल फ्री करता है। साथ ही शहद लेमन की जो एसिडिक इफेक्ट है वो कंट्रोल करके स्किन को फेयर बनाता है। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।